नमस्कार दोस्तों, मैं कनिष्ठ दास आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल केडी गार्डन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में टमाटो किस तरह से ग्रो कर सकते हैं बिना भारतीय सीड को परचेज़ करे हुए, और अपने घर के टमाटो से किस तरह ग्रो करें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पहले आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये एक हेल्दी टमाटो की कुछ स्लाइसिस कट कर ली हैं। आप भी इस तरीके से टमाटो की स्लाइसिस कट कर लीजिए। ये मैंने एक पोटिंग मिक्स बना के रख रखा है, ये सोइल मिक्स बनाया हुआ है। इस सोइल मिक्स में मैंने गार्डन सोइल 50% गार्डन सोइल, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड 20% सैंड मिलाई हुई है। आप भी इस तरह से सोइल मिक्स बना सकते हैं। ये सोइल मिक्स हमारे टमाटो की ग्रोथ के लिए बहुत सही रहेगा। तो अब स्लाइसिस कट करने के बाद तो आप इन स्लाइसिस को उठाकर इस सोइल मिक्स में रख दीजिए। थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के रखिए जिससे कि ग्रोथ हमारी आसानी से हो जाए। ये स्लाइसिस तो मैंने सारे रख दिए हैं, और ये कुछ टमाटो के सीड्स हैं, इसको भी मैं डाल देता हूँ अलग अलग जगह पे। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, और ये सबसे बढ़िया तरीका है विदाउट एनी सीड को बाय करे हुए। हमारे घर का घर के टमाटो से आप उगाएं। ये करने के बाद आप इसमें ऊपर से सोइल डालिए। इसमें आप सोइल डाल दीजिए थोड़ी सी। आप इतना करने के बाद, सोइल को डालने के बाद, अब इसमें आप पानी डालिए। और पानी आप एकदम से ना डालिए क्योंकि सीडलिंग ख़राब होने का डर रहता है। पानी को आप आराम आराम से डालिए। अगर आपके पास स्प्रिंकलर हो तो स्प्रिंकलर से डाल दीजिए पानी को, जैसे मैं डाल रहा हूँ। आप इस तरीके से पानी डालिए आराम से, क्योंकि इससे क्या होता है, आसानी से पूरी सॉइल के अंदर पानी चला जाता है। जितना सॉइल को ऑब्जर्व करना होता है पानी, वो उतना कर लेती है अपने अंदर। अब आप इतना करने के बाद इसको पार्शल शेड में रख दीजिए जहाँ पे हल्की धूप आती हो, क्योंकि धूप की भी बहुत ज़रूरत है हमारी सीडलिंग को तैयार होने के लिए। आप इसको थोड़ा ऐसी धूप ऐसी उसमें रखिए कि सुबह की इसको धूप मिले, और ज़्यादा धूप ना दीजिए इसको। आपको कुछ दिनों के अंदर इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैं आपको मिलता हूँ आपसे विद अपडेट के साथ। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा था, मैंने टमाटो लगाए थे टमाटो से ही, तो आज इनका मुझे रिज़ल्ट मिल चुका है। और आज इनको 15 दिन हो गए हैं, तो 15 दिन का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है और कितने सारे हमारे प्लांट ग्रो हो चुके हैं। देखिए आप, और कुछ सीड अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं, तो आप भी इस तरह से उगा सकते हैं। इसको आप ट्रांसप्लांट कर दें, किसी और गमलों में लगा दें इनकी ग्रोथ के लिए। और इसमें आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और आप भी इस तरह से अपने घर पर टमाटो उगाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब की जाएगी न्यू वीडियोस के लिए भी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।